अदानी ग्रुप गाइस, अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स पे वीडियो बना रहा हूँ गाइस। इस शेयर पे गाइस क्या ही बात करी जाए, अदानी के सारे शेयर्स बुरी तरह पिट रहे हैं पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से। ऐसे में गाइस इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा मोटा पैसा फंस गया है और काफी ज्यादा लॉस में है गाइस सारे के सारे। गाइस अदानी की 6 कंपनियां हैं, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी टोटल गैस, सारे के सारे शेयर 5-5% डाउन रहते हैं गाइस। ऐसे में 3 शेयर तो गाइस सर्किट में, जिन्हें तो आप बेच भी नहीं पा रही है, पब्लिक अच्छा खासा पैसा फंस गया है और सेल भी नहीं कर पा रही है। कल मैंने अदानी पावर पे वीडियो बनाई थी और गाइस वहां पे हद से ज्यादातर कमेंट यही थे कि हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सेल करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास अदानी पोर्ट्स है वो सेल कर सकते हैं, और अदानी एंटरप्राइज में भी गाइस सर्किट नहीं है, अदानी ग्रीन में भी सर्किट लग रहा है लेकिन खुल रहा है, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और अदानी पावर सर्किट से गिरते जा रहे हैं गाइस। बुरी तरह इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया है, ऐसे में उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, बस यही है, सुबह बिड लगा देती है सेल की और नहीं बिक पाता या बिक जाता है वो उनकी किस्मत है। ऐसे में बुरी तरह गिर गए हैं। ऐसे में अदानी पोर्ट्स जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छा खासा लॉस हो रहा है गाइस। 900 रुपये का हाई लगाने के बाद शेयर 650 रुपये पे आ गया है। आफ्टर मेकिंग हाई ऑफ 900 रुपीज शेयर कम्स टू 650 रुपीज। नाउ व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू इन दिस शेयर, अदानी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ गाइस। 652 पे था जब मैंने वीडियो शुरू करी थी, 1 मिनट हुआ है वीडियो शुरू करे, 646 पे आ गया है। 1% शेयर 1 मिनट में गिर गया है गाइस। 60 रुपये की गिरावट देखी जा रही है आज के दिन। अगर परसेंटेज में बात करें तो 8.5% गिर चुका है शेयर। ऐसे में गाइज ऐसे में अच्छा खासा पैसा मारा गया है गाइज। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में शेयर ने आपको 25% का लॉस दे दिया है। ऐसे में क्या होना चाहिए गाइज, मैं इसका एक स्टॉप लॉस निकाल के लाया हूँ जो कि यहाँ से ज्यादा दूर है, लेकिन शेयर जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे भी अगर शेयर ने सपोर्ट नहीं लिया तो गाइज शेयर की जितनी तेजी से भागा था उतनी तेजी गिर रहा है। अगर आप इसका चार्ट खोल के देखेंगे 6 महीने का, तो 6 महीने में गाइस लास्ट ये 644 पे 22 फरवरी को था, जहां पे इसने 636 के ऊपर के लेवल निकाले थे और 750 के लेवल गए थे, यानी कि 22 फरवरी के लेवल पे आ गया है शेयर 644 पे। आप 6 महीने का चार्ट खोल के देखो गाइस, सारे लेवल्स ब्रेक करते हुए जा रहा है। 500 रुपये तक की 500 रुपये से तेजी आई थी गाइस शेयर में 750 की, अब जहां से तेजी आई थी वहां से दोबारा से गिरावट आ गई है। मतलब 500 के लेवल्स आ सकते हैं क्या दोबारा? तो गाइस 500 से तो पहले ही है स्टॉप लॉस जो है वो। स्टॉप लॉस कैसे है वो मैं बता दूं सबसे पहले आपको। स्टॉप लॉस गाइस इस तरीके से कि वो शेयर का 200-day मूविंग एवरेज है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ शेयर का 200-day मूविंग एवरेज, जहां पे शेयर मुझे लगता है कि गाइस वहां पे तो शेयर में गिरावट रुकनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है गाइस। पब्लिक बहुत परेशान है। अगर आम इन्वेस्टर का 24% का पैसा 24% एक एक हफ्ते में जाएगा गाइस, उसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है गाइस। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो सारे के सारे शो कर रहे हैं ओवरसोल्ड, मतलब कि शेयर बहुत ज्यादा गिर गया है। यहां से कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक बनना चाहिए। अगर बाउंस बैक बने तो बिना लालच के शेयर बेच देना मेरी पहली राय तो यही होगी। हालांकि शेयर दोबारा कहीं भी चला जाए ऊपर या नीचे तो दुख मत मनाना, ऐसे शेयरों से दूर रहने में ही फायदा होता है गाइस। ये तो एक इंडिकेटर्स की बात होगी जहां पे सारे ओवरसोल्ड दिखा रहे हैं गाइस। MACD, विलियम CCI गाइस, मनी फ्लो इंडेक्स, RSI और गाइस RSI, सारे के सारे गाइस। अब 200-day मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल के आ रहा है 554, यानी कि यहां से भी 90 पॉइंट्स नीचे, 90 रुपये नीचे 200-day मूविंग एवरेज, जहाँ पे शेयर मेरे हिसाब से वहाँ रुकना चाहिए, जो कि ज़्यादा नहीं गाइज, यहाँ से भी 5-7% 10% गाइज बात करते करते शेयर 10% करेक्ट हो गया है, 642 के लेवल्स पे आ गया है। बुरी तरह लॉस हो रहा है शेयर में गाइज इन्वेस्टर्स को। ऐसे में जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 200-day मूविंग एवरेज है 554 का, 20-day मूविंग एवरेज, 50-day मूविंग एवरेज, 100-day मूविंग एवरेज, तो सारे शेयर ने ब्रेक कर दिए हैं। 100-day मूविंग एवरेज 708 का था जो कि ब्रेक कर चुका है शेयर। 20-day मूविंग एवरेज तो 786 का था, वो तो कब का ब्रेक कर दिया। 50-day मूविंग एवरेज भी 670 का था, वो भी ब्रेक कर दिया गाइस शेयर ने। गाइस इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, शेयर तो गिर रहा है चलो कोई नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब अच्छे खासे लोग इस शेयर को वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है गाइस शेयर। एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 21 मिलियन के हैं,
यहाँ पे आज के दिन 68 मिलियन वॉल्यूम्स जुड़ चुके हैं, यानी 68 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम्स जुड़ चुके हैं गाइस। तो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है शेयर। मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से भी बड़ी कंपनी है अभी भी। मार्केट कैप डेढ़ टन का पहुंच गया था गाइस, यानी 1,50,000 करोड़ का पहुंच गया था, 1.3 का रह गया है। तो मार्केट कैप भी गाइस कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। अदानी के सारे शेयर्स बुरी तरह गिर रहे हैं। ऐसे में अदानी पोर्ट में गाइस दो दिन पहले गाइस खबर आई थी कि NSDL ने फ्रीज हो गए हैं इनके शेयर अकाउंट, लेकिन वो क्लियर हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी शेयर गिरते जा रहे हैं। ऐसे में मेरी राय तो यही होगी गाइज, अगर शेयर बाउंस बैक दे, जैसा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ओवरसोल्ड हो गया, अगर बाउंस बैक दे तो गाइज मेरे हिसाब से बाउंस बैक भी यही 5-10% से कम का नहीं आएगा जिस हिसाब से गिर रहा है। तो वहां पे लालच नहीं करना, बेचना है, और गाइज जिसके पास जो लॉस ले सकता है, काफी ज्यादा गिर गया, हालांकि कहने में भी अजीब सा है कि लॉस तो हो रहा है, बट गाइज निकलना ही अच्छा होगा इस शेयर से, जो कि कहां तक गिरेगा कुछ नहीं पता। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 महीने का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको लास्ट फेब में आपको जो लेवल ये हैं, फेब वाले लेवल आ गए, और वहां पे से तेजी शुरू हुई थी शेयर में, 500 के लेवल से तेजी शुरू हुई थी, 750 तक गई थी, तो वो उस तेजी के रेंज में आ गया है, वहां से गिर रहा है। तो शेयर मुझे दोबारा 500 के लेवल भी दिखा सकता है, 150 रुपये और नीचे। तो ऐसे में इस शेयर से निकलने की ही राय होगी, अगर बाउंस बैक मिल जाए तो पक्का निकल जाना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाउंस बैक मिल जाए गाइस शेयर इन्वेस्टर्स को 10% का तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वहां पे बाय मत कर लेना कि दोबारा भागेंगे और या कुछ, और बस निकलने की सलाह। तो ये थी मेरी वीडियो अदानी पोर्ट्स पे, और गाइस अदानी पोर्ट्स वाले इन्वेस्टर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आपको फिर भी चांस दे रहा है शेयर, अदानी पावर अदानी टोटल गैस वालों से पूछो, वो तो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे निकलें, सर्किट टू सर्किट गिर रहे हैं गाइस वो शेयर। तो ये मेरी वीडियो अदानी शेयर्स पे, होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे गाइस।